सब्सक्राइब करें मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हमारे पास ये फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं लावा का फ़ोन आया, कीपैड वाला फ्रेंड, और इसका जो मॉडल है यहाँ पर दिख रहा होगा 40 पावर प्लस, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके अंदर जो प्रॉब्लम है आज हमारे पास आया, इसके अंदर प्रॉब्लम है फ्रेंड वो कीपैड जो है वर्क नहीं कर रहा। वो कौन सा, तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका जो दो वाला बटन है ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, और कॉलिंग वाला वर्क नहीं कर रहा, और ये जो मेन्यू में हम लोग जाते हैं और इसका जो साइड वाला ये बटन है ये भी वर्क जो है नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में जाने हैं, इसका जो प्रॉब्लम है ये दो बटन काम नहीं कर रहा है, और ना ही ये कॉलिंग वाला बटन काम कर रहा है, ना ही ये जो साइड वाला बटन भी काम नहीं कर रहा, ठीक है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे उसको किस तरीके से रिपेयर और किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है, दो वाला बटन जो है काम नहीं कर रहा है, कॉलिंग वाला भी काम नहीं कर रहा है, और मेन्यू में जाने के बाद ये जो साइड वाला बटन होता है ये भी जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपली फ्रेंड आपको जो है फ़ोन को खोल देना होगा, और कीपैड वाली कीपैड के लाइन से मैंने दो तीन वीडियो अपलोड किया हुआ है जो आप जाके देख सकते हैं उसको किस तरीके से रिपेयर करना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर भी ये भी जो कीपैड वाला प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से ठीक होगा। तो सिंपली आपको इसको इस तरीके से खोल देना, खोलने के बाद सिंपली इसका जो है ये जो कीपैड इसको खोल देना है। पहले सबसे पहले आपको इसको जो कीपैड है पहले साफ उप करके चेक कर लेना आपका, अगर कीपैड वर्क करे तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आपको अपने मल्टीमीटर से इसको जो लाइन होता है इसको सिंपली चेक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए दो वाले बटन का जो है यहाँ पर लाइन इस तरीके से यहाँ पर गया हुआ, और ये जो कॉलिंग वाला बटन का भी यहाँ पर जो चेक किया हुआ है, किसी टेक्नीशियन ये या किसी दुकानदार ने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम भी अपने मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो अपने मल्टीमीटर को आपके बीप के पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मेरा जो रेड वाला ये टूट गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा माइंड मत लेना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए मैंने अपने मीटर को बीप के बजाय पर रख दिया, देख सकते हैं यहाँ पर साउंड भी आ रहा है अभी। तो सिंपली क्या करना है, ये जो रेड वाला सिरा सिंपली इसको यहाँ पर एक ग्राउंड में कर देना है आपको। ग्राउंड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो साइड वाला है फ्रेंड इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है दो नंबर का, और इसका जो बीच वाला फ्रेंड सिंपली इसके अंदर वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी के लिए मैं पाँच वाले पर चेक करता हूँ, देखिए इसके बीच वाले में भी वोल्टेज आ रहा है और इसके साइड वाले में भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये जो कॉलिंग वाला फ्रेंड इसके अगर बीच वाले में मैं चेक करता हूँ तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, और इसके साइड वाले में वोल्टेज आ रहा है, और ये जो यहाँ पर जो साइड वाला है जिस पे काम नहीं कर रहा है इसमें भी बीच में नहीं आ रहा है और साइड वाले में वोल्टेज आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इसका हम लाइन चेक कर लेते हैं बीच वाले का, ये तीनों कनेक्शन एक है क्या। तो फ्रेंड यहाँ पर ही मैं क्या करता हूँ, इसको ये दो नंबर के जो है पिन को यहाँ पर ही मैं ऐसे सटाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये जो दो नंबर का भी पिन है दोनों तीनों लाइन जो है फ्रेंड वो एक है, ठीक है फ्रेंड। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड ये जो तीनों लाइन है दो नंबर के बीच वाला पॉइंट और ये साइड वाला बीच वाला और ये कॉलिंग वाला, यहाँ पर ही फ्रेंड एक अगर वोल्टेज हमको मिल जाएगा तो ये तीनों जो है बटन वर्क करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। जो कि ऑलरेडी इसके अंदर पहले से भी काम किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्रैच हुआ है और यहाँ पर भी स्क्रैच हुआ हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली क्या करना है, बैटरी इसके अंदर फ़ोन के अंदर लगा देना है, लगाने के बाद आपको अपने चिमटा से मोबाइल को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद आपको फ्रेंड पता चल गया कि इसके बीच वाले में वोल्टेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको किस तरीके से चेक करना है वो तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है और इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए इसके बीच वाले में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो साइड वाले में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चिमटा का दो मुँह आपको दिख रहा है तो एक मुँह को आपको इसके साइड वाले में लगाना है, बीच वाले में वोल्टेज नहीं आ रहा मगर साइड वाले में तो आ रहा है, तो साइड में सटाना, उसके बाद आपको सब कीपैड पर चेक करते रहना, ठीक है। अगर आपको कहीं से कॉलिंग वाला बटन काम करता है तो आपको सिंपली वहाँ से एक जंपर कर देना, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने फ्रेंड इसका जो है लाइन मैंने खोज लिया है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा था कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका जो लाइन है वो कौन सा है, तो फ्रेंड यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्लैक लगा हुआ फ्रेंड। तो ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर वाला जो है लाइन फ्रेंड ये आपको दो नंबर का लाइन है, ठीक है। ये वाला जो मैं आपको चिमटा से दिखा रहा हूँ ये जो सबसे साइड वाला है यहाँ पर इसके ऊपर वाला जो लाइन है वो दो नंबर की, इसका जो बीच वाला लाइन है, ठीक है। यहाँ से एक जंपर अगर हम इस पर कर देते हैं तो हमारा ये तीनों बटन जो है वर्क करने लगे है, ठीक है फ्रेंड। मैं फ्रेंड इसलिए शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास इस तरीके का कोई अगर फ़ोन आता है तो आप भी अगर खुद ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ठीक है फ्रेंड, या आपको बाद में मिले मगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये लावा का फ़ोन है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है लावा का जो मॉडल है फ्रेंड 40 पावर प्लस, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैं सिंपली आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि आपके पास अगर इस तरीके का कोई
फ़ोन आता है तो सिंपली आप एक जंपर में इसका जो है काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो पिन है, यहाँ से एक जंपर लेना है, उसके बाद या शायद यहाँ पर ही आपको इसका प्रिंट ठीक है तो यहाँ पर जंपर कर देना है, चाहे यहाँ पर जंपर कर देना है, आपकी मर्जी हो, आप इसके बीच में भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इसको अगर सटाता हूँ तो कोई भी ये बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है और कॉलिंग वाला भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो फ्रेंड क्या करते हैं, देखिए ये वाले साइड वाले हैं, वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर साइड वाले पर मैं चिमटा को सटा देता हूँ और उसके मुँह के ऊपर मैं सटाता हूँ जहाँ पर इसका लाइन है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है दो वाला बटन जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए दो वाला जो बटन है वो काम अच्छे से तरीका से कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे दो वाला बटन जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसी को मैं कॉलिंग वाला बटन पे लेके जाता हूँ यहाँ पर इसके साइड नीचे साइड में, और इसके यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा चिमटा का मुँह को ज़्यादा करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कॉलिंग, देखिए इमरजेंसी कॉल ओनली दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे कहने का मतलब ये था फ्रेंड, ये जो दो वाला बटन और कॉलिंग वाला बटन, ये जो साइड वाला बटन काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप यहाँ से एक जंपर ले ले ये वाले से और सिंपली आपको या तो इसके बीच में लगा दे चाहे यहाँ पर लगा दे, क्योंकि ये जो लाइन है बीच वाला में तीनों का तीनों एक ही लाइन है, एक जंपर से आपका तीनों बटन जो है वर्क करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अपनी जगह पर आता हूँ मैं इधर। तो फ्रेंड यहाँ पर ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही मैं आ चुका हूँ। आने के बाद सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा आपको पेस्ट जो है ले लेना है, तो यहाँ पर ही मैं पेस्ट ले लेता हूँ। थोड़ा सा पेस्ट लेने के बाद यहाँ पर ही देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैच किया हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट को रख देना है। पेस्ट को रखने के बाद सिंपली आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर थोड़ा रंगा लगा लेना है। ये जो आपका जो सोल्डिंग आयरन वाला ये पेस्ट ये होता है, सिंपली इसको आपको यहाँ पर ही लगा लेना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको लगा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, लगा लेना, उसके बाद फ्रेंड इसके मुंह पे भी थोड़ा सा रंगा लगा लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ही आपको जंपर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप कर को क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मोनू मॉल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए इसी तरीके का वीडियो लेके आता रहता हूँ। और जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो एक बेल आइकन आता है, सिंपली ये जो बेल आइकन है इसको भी सिंपली आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, इसको भी क्लिक कर दे, क्योंकि फ्रेंड जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगा और वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो बेल आइकन है सिंपली उसको जरूर से एक बार प्रेस कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, तो सिंपली इसी तरीके से आपको भी जंपर यहाँ पे कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे जंपर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर ही आप देख पा रहे होंगे मैंने जो है जंपर कर लिया है, जहाँ जहाँ से मैंने आपको बताया था वहाँ पर मैंने जंपर कर लिया। देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है फ्रेंड, ये वाला जो लाइन है बीच वाला, इसका जो लाइन है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं मैं, तो ये दो नंबर का पिन है फ्रेंड, तो इसके बीच वाले में वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो इसका जो लाइन है इस तरीके से यहाँ पे गया हुआ था। चाहता तो यहाँ पे बीच में भी मार सकता था। ठीक है फ्रेंड, मगर बीच में अगर आप मार देते हैं सोल्डिंग तो आपको कीपैड बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा अच्छे से काम नहीं करे हाथ रखाते ही वो ऑटोमेटिकली जो है काम करने लगता है, तो ये दिक्कतें आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मेरा मल्टीमीटर है, अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके अंदर वोल्टेज आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रेड वाला सिरा सिंपली इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड करने के बाद फ्रेंड इसके बीच वाले पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारे मीटर में जो इसके बीच वाले में वोल्टेज आ चुका है और साइड वाले में वोल्टेज ऑलरेडी पहले से ही था, और यहाँ पर ये जो साइड वाला इसके भी वोल्टेज आ चुका है बीच में, और ये जो कॉलिंग वाला था इसमें भी वोल्टेज बीच में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, फटाक से इसकी बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे हमारा जो बटन है वो सब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से मैं फ़ोन को ऑन कर लिया अभी, तो आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल तरीके अच्छी तरीके से चालू भी होने देते हैं इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं लावा का मोबाइल है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है, तो ये जो दो नंबर वाला वर्क नहीं कर रहा था, देखिए यहाँ पर ये सिंपली पूरा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और ये जो कॉलिंग वाला पे हम क्लिक करते हैं तो ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको पहले पूरा काट देता हूँ और कॉलिंग वाले बटन को प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है कॉलिंग भी वाला बटन जो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके बाद जो मेन्यू वाला बटन, ये जो साइड वाला बटन, ये भी वर्क नहीं कर रहा था, देखिए ये भी जो है वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मोनू मॉल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं कि अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।